जैसे देखो मैं एग्जांपल अल्फाबेट्स की बात कर रहा था, रबर। इंग्लिश में आपको अड के आवाज भी समझ में आएगी, लेकिन हिंदी में अड क्यों आ गया? यही अक्षरों का फर्क हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में। इसीलिए हिंदी में एफर्ट करवाना, 30 मिनट्स की रीडिंग हिंदी या हिंदी का न्यूज़पेपर से करवाना, उसमें डिफिकल्ट टू इजी वर्ड्स होते हैं। इसीलिए 30 मिनट्स की रीडिंग से फायदा क्या होगा, आपको उस इंसान का या अपना भी चेक करना हो तो स्पीड लेवल पता लग जाएगा, क्योंकि जो इंसान का रीडिंग स्पीकिंग के अंदर स्पीड लेवल होता है वही उसका रीडिंग में भी रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इंसान स्पीकिंग में स्पीड लेवल, अब जैसे मैं अगर फास्टली बोल रहा हूँ तो मैं रीडिंग भी फास्टली करूंगा, मैं कभी स्लो रीडिंग नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं नॉर्मली सही से बोल रहा हूँ तो मैं रीडिंग भी नॉर्मल वे में करूंगा। इसीलिए रीडिंग हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई योर स्पीड लेवल। उसके बाद है आपका रीडिंग के बाद आपको हेल्प करता है ये वॉल्यूम को आइडेंटिफाई, स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस आइडेंटिफाई करने में, और फ्लो में और क्लैरिटी में हेल्प करते हैं रीडिंग आपको। उसके बाद है वीडियोस। बच्चों को मोबाइल देखने का बहुत ज़्यादा शौक है आज की डेट में, तो रीडिंग जब बच्चे को आप करवाओगे तो सामने मोबाइल रखना, चाहे वो छोटा बच्चा इसके जितना ही क्यों ना हो, उस बच्चे के सामने जब आप मोबाइल में उसका वीडियो बनाओगे ना 30 मिनट्स का, उससे फायदा क्या होगा देखो। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उस बच्चे को उसका वीडियो दिखाओ, उस बच्चे को अपना ही वीडियो दिखाओ कि वो कैसे बोल रहा है। अगर वो बच्चा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो वो खुद को समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किस वे में बोल रहा हूँ, और आपको भी पता लगेगा पेरेंट्स को कि कितनी क्लैरिटी वो अक्षर दे रहा है या नहीं दे रहा, किस जगह मेरे बच्चे ने वीडियो में गलती करी। उसको सेकंड वीडियो में रिपीट मत करो, नहीं करोगे तो वो रिजल्ट देगा आपको सेकंड वीडियो में। और ये एक्सरसाइज 1 वीक का वर्कआउट है, मैंने लिखा है 1 वीक। अगर आपने ये काम कर लिया, फर्स्ट डे का वीडियो लास्ट डे के साथ 7th डे का वीडियो के साथ मिला लेना, अगर 100% इम्प्लीमेंटेशन होगी तो रिजल्ट खुद ब खुद आपको 7th वीडियो बताएगा। उसके बाद है ओम एक्सरसाइज। हमारे वैदिक के अंदर कह लो, किसी भी चीज में कह लो, ओम का उच्चारण शुरू शुरू में लोग वैसे भी करते थे जो आज की डेट में किसी को याद ही नहीं, लेकिन मैं बैक टू बेसिक्स के ऊपर आया कि ओम इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। पहले ओम के उच्चारण से हमें क्या फायदा होता है, इसको आप लिख लो पहले। ओम का जो ओम की एक्सरसाइज है ये 11 टाइम्स करनी है, मॉर्निंग में करनी है, और इसके लिए सामने मोबाइल रखना, स्टॉप वॉच को ऑन करना जब आप ओम बोलोगे। इसका राइट मेथड क्या है, एक सांस में एक बार ओम बोलना है और उसको कितना लंबा मैं खींच सकता हूँ वो क्या बताएगा, व्हाट इज योर ब्रीदिंग लेवल। अब ब्रीदिंग लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे सांस का लेवल। हर इंसान अपनी बात कुछ सेकंड्स के लिए बोल पाता है लगातार, मिनट तक तो हो सकता है कोई अगर किसी का बहुत अच्छा लेवल हो तो, नहीं तो हर इंसान कुछ सेकंड के लिए अपनी बात लगातार बोलेगा, फिर वो इंसान रुक जाता है, फिर सांस लेता है, फिर बोलता है। उसका मतलब क्या, उसका ब्रीदिंग लेवल कितने सेकंड का है वो ओम बताएगा, ओम की एक्सरसाइज। और ये होती कैसे है एक बार वो समझ लो, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। सांस लेना है हमेशा मुंह से, ये चाहे किसी को दिक्कत हो चाहे ना हो, और जो ऑटिज्म वाला ये वाला केस आपका, ओम करवाने लग जाओ एक हफ्ता, आपको मैं कहता हूँ 80% सुपर इम्प्रूवमेंट आपको ऑटिज्म में दिख जाएगी। क्योंकि ओम का देखो उच्चारण मैं पहले दिखाता हूँ ये होता कैसे, सांस हमेशा मुंह से लेना, नाक से तो ऑटोमेटिकली ले ही जा रही है, मुंह का ब्रीदिंग लेवल रिड्यूस हो चुका है जिसकी वजह से वो क्लैरिटी नहीं दे रहा या बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो सांस मुंह से अब इसको मैं कितना लंबा खींच सकता हूँ वो बताएगा मोबाइल में स्टॉप वॉच मेरी, जैसे ही ओम निकलता है सांस लेने के बाद स्टॉप वॉच ऑन करो। आप अपना भी लेवल चेक कर सकते हो, ब्रीदिंग लेवल अपना भी कितने सेकंड तक मैं ओम को बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 8 सेकंड बोला, 9 सेकंड तक बोला, अब वो 8 और 9 सेकंड आपका आज का ब्रीदिंग लेवल है, 8 और 9 सेकंड आपका आज का ब्रीदिंग लेवल, मतलब आप 8 सेकंड तक लगातार बोल सकते हो, उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग लेवल किस चीज में हेल्प करता है, ब्रीदिंग लेवल हमें हेल्प करता है टू स्पीक इन रेगुलर मैनर इन फ्लो। फ्लो कैसे मेंटेन होता है, जब लगातार बोलते हैं। लगातार कैसे बोलेंगे, जब मुझे
ब्रीदिंग लेवल पता होगा, फ्लो में बोलोगे, फिर क्लैरिटी को पता लगेगा कितनी देर है। अब ओम की एक्सरसाइज में बात करूंगा ऑटिज्म, ठीक है ना। अब ओम की एक्सरसाइज ऑटिज्म वाले को कैसे हेल्प करेगी? ओम अगर आप खुद भी बोल के देखोगे ना, आपकी दो वोकल कॉर्ड दो होगी ना, तो दो वोकल कॉर्ड्स के अंदर जैसे आप उच्चारण करोगे इसको, इस एक्सरसाइज को एक चीज और ध्यान रखना, ओपन में बैठ के करना बाहर, क्योंकि आपके अंदर वो नेचुरल जो हवा है ना वो भी अंदर जाए तो उसका भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। जब आप ओपन एयर में ओम बोलोगे तो वोकल कॉर्ड बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है, यहाँ हाथ लगा के देख रहे ओम बोलते हो, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी यहाँ पे। अगर वो वाइब्रेशन हो रही है तो वो आपके यहाँ की वोकल कॉर्ड का सेंस माइंड पे जा रहा है और वो माइंड को एक्टिवेट कर रहा है कि वो हर सेंस के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर वे में रखे। जब ब्लड सर्कुलेशन आपका रेगुलर रहेगा तो जो दिक्कत स्पीकिंग से रिलेटेड तो चाहे जो भी हो, वोकल कॉर्ड जब हिलेगी वाइब्रेट होगी, जो मशीनरी के अंदर जंग लग गया वोकल कॉर्ड में, वो जंग को वापस सर्कुलेशन में लेके आएगा ओम। और ओम की एक्सरसाइज किसी ने भी कर ली एक हफ्ता, उसको चाहे खांसी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, वो भी उस चीज में भी हेल्प करती है ओम। क्योंकि खांसी में क्या होता है, अंदर से उठते वो हम एकदम खांसी कर देते हैं, लेकिन जब ओम बोलोगे जिस चीज में दिक्कत आ रही है वो उसको रिपेयर कर देते हैं जल्दी। ये नेचुरल, इसीलिए कहा था हमारे, आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग थे वो ओम का उच्चारण वैसे ही करते थे, उनको लॉजिक नहीं पता था लेकिन वो वैसे ही करते थे और वो हेल्दी ही रहते थे। ये भी एक नेचुरल रेमेडी है, लेकिन स्पीच थेरेपी पे इसका रोल सबसे ज्यादा है। 99.9% हमें ओम हेल्प करता है। अब ये मेरी रिसर्च मैंने आपको बताई है, 5 एलिमेंट्स हैं, इनको 1 वीक किसी ने भी अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेरा नंबर मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, फिर भी कोई लगता है तो आप मुझसे एक सेशन भी लेके देख सकते हैं। आपको रिजल्ट अगर देखना है कि मेरे को अपने बच्चे में कितना रिजल्ट आना चाहिए, कितना नहीं आ पा रहा रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद भी देखें। अब देखो उसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं कि सर हमें ना क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी हर किसी का गोल होता है, चाहे वो ऑटिज्म वाला बच्चा हो, वो भी रेगुलर नहीं बोलता, वो भी अक्सर हो सकता है उल्टे सीधे बोलता है या मिस आर्टिकुलेशन, स्टैम्प रही, स्टटरिंग। तो देखो क्लैरिटी आती है जब आपको राइट मेथड पता हो। राइट मेथड में हमेशा बात करता हूँ बेसिक्स, मैथ्स भी अगर किसी ने, अगर आप अपने बच्चों को मैथ्स के सम करवा रहे हैं तो बेसिक पहले समझाते हो इसका, बच्चे देखो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक है, इसको अप्लाई करोगे तो आंसर दे देगा। ऐसे ही स्पीकिंग के जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे वो क्लैरिटी नहीं देगा। उसके बाद है शुड नो द मूवमेंट ऑफ योर टंग, जीभ की मूवमेंट हर अक्षर को निकालती है। जब तक आपको हर अक्षर के ऊपर जीभ की मूवमेंट नहीं पता होगी वो क्लैरिटी नहीं देगी। अब देखो र की बात करूं तो र में जीभ ऊपर लगती है, वाइब्रेट होती है, ल में वो जीभ नीचे आ जाती है, फर्क इतना है र और ल में। लेकिन 99.9% र में दिक्कत है, वो र ल में मिक्सअप हो रहा है, तो वो उसका जब तक राइट मेथड नहीं बता दो दिक्कत आएगी। तो उसके बाद है फॉर किड्स, अगर छोटे बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स को सेशन देते हैं सो दैट पेरेंट्स हेल्प करें अपने बच्चे को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि बच्चा सिटिंग नहीं देता तो छोटे बच्चे को एनवायरनमेंट इतने जल्दी नहीं पता लगता। लेकिन पेरेंट्स को मैं एडवाइस कर देता हूँ, अब मैंने अभी एक ऑनलाइन सेशन दिया था यूरोप के अंदर, पोलैंड था आई थिंक कंट्री के अंदर, वो लेडी थी वहाँ पे, वो कहती मैंने अपने बच्चे को ना स्कूल में भेजा और आई थिंक 5 ईयर्स का बच्चा था उसका। तो वो कहती जब ये स्कूल जाता है ना वो फिर उसके अंदर क्या है कि उसकी जो मैम है ना वो मेरे को रिस्पॉन्ड करती है कि भाई ये बच्चा ना आपका आराम से बैठता नहीं, आप इसको ना भी आप स्कूल मत भेजो, आप पहले इसका इलाज करवाओ कहीं से, मतलब इसका इलाज कराओ अच्छे से, ये इसकी सीटिंग क्यों नहीं बन पा रही। तो हुआ क्या, जब उसने मुझसे ऑनलाइन सेशन लिया वहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू, मैं वीडियो कॉल पर करता हूँ सेशन, तो जब उसने ऑनलाइन सेशन लिया मुझसे तो मुझे पता लगा वो बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसका इंटरेस्ट जब तक तुम्हें नहीं पता बच्चे का वो क्या करना चाहता है और हम क्या फोर्सफुली करवा रहे हैं, तब तक वो बच्चे का माइंड सेटअप आप नहीं बढ़ पाओगे। बच्चे का इंटरेस्ट था कलरिंग में, आउटडोर एक्टिविटीज में, और उसकी मदद करवा रही थी तू यहाँ छुट्टे से बैठ, वो क्लास में भी बच्चा तब बैठेगा जब उसकी वो चीज़ पूरी हो जाए जो वो मन में चाहता है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपके घर में अगर कोई डॉग पाला हो ना, डॉग
डॉग को भी अगर हमने अपने घर में रखना है, वो डॉग भी तभी अडॉप्ट होगा, आपके एनवायरनमेंट में अडेप्ट होगा जब आप उसकी विश पूरी करोगे। घर में रख के रखो उसको 24 घंटे अपने डॉग को, वो आपको ही बाइट कर जाएगा। एक कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु कोई भी है दुनिया में, सबको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, हमें उसका माइंड सेटअप रीड करना पड़ता है। अब आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, अब आप उनकी अगर विश पूरी करते हो तभी वो स्कूल भी खुश होके आते हैं, उनको पता है मेरे पापा मम्मी ने मेरे को ये लेके दे दिया, नया बैग मिल गया, नई क्लास हो गई, नई बुक्स आ गई, ये चीजें आपने उनका माइंड सेटअप रीड कर लिया, इस चीज से खुशी मिलती है, आपने वो खुशी दी, वो खुश होके बच्चा स्कूल आएगा। वही बच्चे को आप बोलो नहीं तो ना ये पुराना बैग नई क्लास में लेके जाना, वो रोते रोते मन से आएगा, उसका मन यहाँ भी नहीं लगेगा। हम बच्चों का माइंड सेटअप सही जगह पे रीड करना जिस दिन सीख गए ना, वो चाहे स्पीकिंग ही क्यों ना हो, स्पीकिंग में भी हमें यही चीज़ देखनी होती है। टेंस में बात करोगे तो फ्लो बनेगा तो क्लैरिटी मिलेगी। टुकड़ों में बात करोगे, बात को रुक रुक के बात करोगे, मैंने बताया था सामने वाला भी अटेंशन नहीं देता। इंटरव्यू की बेस्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू देना है किसी ने भी, अगर जैसे ही अगर किसी को भी अगर होता है इंटरव्यू, मैम भी जैसे इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी यही चीज नोटिस कर ले कितने फ्लो में वो बंदा सामने वाला अपनी बात को बोल पा रहा है। अगर वो फ्लो में नहीं बोल पा रहा, रुक रुक के बोल रहा, तो मैडम भी कह दिया आज इसको तो आता ही कुछ बोला ही नहीं आता, ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, स्पीकिंग में, सेंटेंस के अंदर बोलोगे फ्लो बनेगा, फ्लो अगर निकलेगा तो वो क्लैरिटी भी देगा। उसके बाद है रॉन्ग हैबिट टू राइट हैबिट, स्पीच थेरेपी का मंत्र यही होता है, गलत आदत को सही आदत में कन्वर्ट करना। गलत आदत एक दिन में नहीं बनती, या हम बना देते हैं तो उसको सही में करने के लिए भी 21 दिन लगते हैं एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है WHO के हिसाब से भी 21 दिन का प्रोसेस होता है नई हैबिट को डेवलप करने के लिए। 21 दिन आप कोई भी काम कर लो आपकी हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट, आज का सेशन हर इंसान के अंदर जिसको दिक्कत आ रही है उसका माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन आउट हो चुका है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद को ही नहीं पता मैं किस स्पीड में बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ मुझे खुद को ही नहीं पता मेरे मुंह से क्या निकल गया, तो वो गलती बेसिक अल्फाबेट है। इन तीनों के अंदर अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना, सिर्फ एक वजह से वो जीभ ऊपर जा रही होगी। इन तीनों में खुद बोल के देखो जीभ नीचे रहते हैं, देखो क ख ग, अगर जीभ मैं ऊपर लेके जाऊँ प ख तो वो नेजल साउंड आएगी, नाक से आवाज आएगी। अगर जीभ हल्की सी भी ऊपर गई वहाँ राउंड प्रोनाउंसिएशन शुरू हो जाएगा। अगर आपको उससे ये पता लग जाएगा उसकी क्लैरिटी कितनी आ रही है।